मुझे बुखार चढ़ा हुआ है, मुझे जुकाम लगा हुआ है। मैं भूखी रह सकनी हाँ, प्यासी रह सकनी है, व्लॉग ना बनाने लगा मेरे को नहीं होता। मैं नीचे आ गया मम्मी नाश्ता, तुम्हारे हाथ में चाय पीनी, ये बस चौंचले होते हैं, कोई टेस्ट रेट नहीं चाहिए। मैं कलर दिखाओ, कितना अच्छा है, परफेक्ट। और मुझे पता एग्जैक्ट यही, मुझे तेज पत्ती नहीं पसंद है। मिलजुल के ही रिश्ता चलता है। आगे हमारा ड्रेस आ गया, हाँ मेरा कप का आ चुका है। ये अंकल बताएंगे ब्यूटी अच्छी बनी है। Welcome to astrology. This is me, Krakawal. Welcome to another vlog. Welcome to another very beautiful day. Din mera shuru hua hai. Main subah uthi hu to mujhe bukhar chadha hua hai, mujhe zukam laga hua hai, mera gala bilkul band hai. Jis wajah se badi mushkil se main bol pa rahi hu. Kal aap logon ne meri dholki dekhi and maine bahut enjoy ki thi apni dholki. And I know aap log dekhne wale bhi mere sath sath jo hai na wo kafi cheeze enjoy kar rahe the. Main I think wahid dulhan hungi jo apne events ko itna exaggerated enjoy karti hu. Mujhe aisa feel ho raha hai. क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ कनेक्ट भी रहना है, मुझे आप लोगों को भी चीज़ें दिखानी है, तो उसके लिए आई नीड टू बी वेरी एनर्जेटिक। तो वो मैं ऑल द टाइम रहती हूँ और हर इवेंट पे आपको मेरे ऐसी एनर्जेटिक व्लॉग्स मेरी साइड से मिलेंगे। आपको देखेगा कि दुल्हन पहली बार, हमेशा दुल्हे व्लॉग करते थे, दुल्हन भी कर रही होती है बट इतनी उस तरह से नहीं कर रही होती। आई विल बी द वन जो इसको इस तरह से आपको दिखाएंगी और आप मेरे साथ मेरी तरह से इंजॉय करेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी शादी को खुल के इंजॉय करूँ और मैं कर रही हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। बट थोड़ी सी तबियत अभी नासाज है, वो जल्दी उठ गई थी कल, चूंकि हमारा ब्राइडल शावर का इवेंट है तो उसके लिए थोड़ी बहुत हम लोगों ने फोन कोऑर्डिनेशन करनी थी। ड्रेस अभी तक मेरा आज मुझे डिलीवर होगा, क्या होता है क्या आज, मुझे सब कह रहे हैं कि तुम रेस्ट करो, तो मैं आज रेस्ट कर रही हूँ, इसलिए मैं भी अपने ब्लैंकेट में हूँ। मेरा नाश्ता मेरे पास आ चुका है, ये हमारा जो कल वाला सालन था, अचारी गोश्त वो, और साथ में मम्मा ने पराठा भेजा है। कि तुम सुकून से अपने बेड से उठ के मुंह हाथ धो के नाश्ता करो और फिर अपना दिन स्टार्ट करो। देखती हूँ तबीयत थोड़ी बेहतर होती है तो फिर बाकी क्या कुछ करेंगे कल की प्रेपरेशन के हवाले से। नहीं तो आप लोग यार चैनल सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अभी लेट्स गो, होते हैं नाश्ता करते हैं और फिर आते हैं। चले जी गाइज, मैंने नाश्ता वाश्ता हो गया, मेरी अम्मा एक छोटी सी क्यूट सी काकी को लेके ही। आप मेरे व्लॉग्स देखती हो? नेल्स देखो अभी। ओह माय गॉड, आप दिखाओ नेल्स, आपने तो मेरे साथ मैच, आपने तो मेरे साथ मैचिंग की हुई है पूरी पूरी। ये गिफ्ट है क्या ही हो? वाह दिखाओ, ये आपने एनवेलप बनाया, दिखाओ मुझे। उसने कार्ड बनाया है, बर्थडे का, इसकी बर्थडे आ रही है। आपका बर्थडे है? नहीं आ रही है। अच्छा हैप्पी बर्थडे, ठीक है। मैं सबको कह देती हूँ कि इस बच्ची को हैप्पी बर्थडे बोल दे, मुझे स्पेशली मिलने के लिए आई है। और इसने लिखा हुआ है वेलकम टू स्टोरी, हेलो एस्ट्रोलॉजी कॉलकॉम, थैंक यू फ्रॉम गिफ्ट, ओए 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 फ्रॉम मैक्स। ये आपने खुद सारा बनाया? ये लिखा खुद है। वाओ, एक मैं देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सिस्ट्रोलॉजी, माय नेम इज इशाल फातिमा, सिस्टर्स नेम राबिया फातिमा ज़ैनबिया इराकिरा, टोटल फाइव सिस्टर्स, सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट, इट्स माय सिस्टर, ओके ओके, आई लव यू सिस्ट्रोलॉजी, मैं आपको आपकी सालगिरह पर बुलाना चाहती हूँ। ओके, इनवाइट देने आए हो, कब है आपका बर्थडे? 22 दिसंबर को। चलो अगर मैं यहाँ पे हुई तो फिर मैं जरूर आऊंगी, ठीक है, डन। और इसका नाम है जी, थैंक यू सो मच डियर सिस्ट्रोलॉजी, इतने प्यार से इस बच्ची ने इतना कुछ लिखा है यार, ये क्यूट क्यूट, ये मैं संभाल के रखूंगी, ठीक है। मेरे लिए लाई है, चिप्स लाई है, वो लाई है और एक प्यारी सी शॉल भी लाई है मुझे, वैसे भी आपको पता है। शॉल मैं ले लूं? चलो शॉल मेरी मम्मी को। वाह जी वाह, मुझे कल सर्दी लग गई है ना तो भी मुझे शॉल देने आई की जिस दिन आप बाजू पहन लो ना फंक्शन पर, शॉल ले लो। थैंक यू सो मच, ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, तो आपको ये बता दूं कि कल मेरा ब्राइडल शावर है और मेरी जीरो प्रेपरेशंस है, अभी फोन पे सारा कोऑर्डिनेट किया है, अपने इंस्टाग्राम पे जो है वो कल की ढोलकी का कंटेंट पोस्ट किया है, शॉर्ट्स पोस्ट किए हैं, अब नीचे जा रही हूँ, हाथ चढ़ा और नीचे की सूरत हाल आपको दिखाती हूँ। चलो जी मैं यहाँ पे आई हूँ। मानो कैसे रहे तेरे बाल? अच्छे रहे, देखो चेक करो कलर आ रहा है, मैं कल नहाऊंगी ना, लास्ट सबसे वो छतरा क्यूँ लग रही हो? मैं नहाऊंगी ना फिर दिखाऊंगी आप लोगों को, छतरा लग रही हूँ। और पीछे आप सोच रहे होंगे गाने शाने क्यों चल रहे हैं, गाइस आधी रील्स एडिट हुई हैं, आधी रील्स एडिट हुई तो वो एडिट्स चल रहे हैं। मैं थोड़ा फिर भी लो, अभी मुझे रेस्ट करने दो, पीछे हट दो,
मैं जहाँ जा रही हूँ आज से रेस्ट कर रही हूँ। मेरा ड्रेस जो है वो कह रहे थे कि रात के 12 बजे डिलीवर करेंगे, तो वो राइडर जो है वो 12 बजे आएगा। मैं ड्रेस पिक करूंगी कल के लिए। मेरी स्टाइलिस्ट जो है वो कराची से निकल पड़ी है यहाँ तक। सर दर्द हो रहा है यार, अभी तो एक इवेंट हुआ, ये हालत हो गई है, समझ नहीं आ रही मेरे। खैर अब मैं रेस्ट करने लगी। चलो जी, ये मोहतरमा भी आ गई। राबिया, ब्राइडल शावर की तैयारी कर ली? हाँ, मैं ड्रेस भी आ गई। आ भी गया? यार ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? ठीक है, सब ठीक है। मेरे अलावा सब ठीक है। मेरे अलावा क्या हुआ? मेरी तबीयत थोड़ी डाउन हुई है। एक इवेंट की है, अभी तबीयत डाउन हो गई है। वैसे तुमने करने 50 इवेंट है। चॉकलेट खाओ ठीक हो जाओगी। हाँ बस ठीक है, चॉकलेट खाऊं ठीक हो जाओगी। ठीक करो फिर। क्या जीनत कैरी वगैरह हो गई है सारी? यार मेरा ना 12 बजे ड्रेस आना, मैं सिर्फ उसका वेट कर रही हूँ। मेरा ड्रेस आना ब्राइडल शावर का, कल सुबह 7 बजे उठना। मुझे तो अभी सोच कुछ हो रहा है। आपकी तो कल छुट्टी है, मुझे ठंड लग गई है। हाँ कल आप बाजू पहने थे ना। मैंने सोचा मैंने छापा मारूंगा, मैं छुप के आ जाऊंगा। ना करो। हाँ जी नहीं, अलाउ नहीं। मैंने छुप के आ जाऊंगा। मैं पैंट शर्ट पहन के आऊंगा, क्यों नहीं लाओ मुझे? हैं नहीं लाओ। कहाँ लिखा है ये? यू आर अ बॉय। कौन सी रूल बुक में लिखा है? यू आर ऑल्सो बॉय विद शॉर्ट हेयर। मैं तो आऊंगा भाई, मैंने बता दिया। क्यों? सालियां घुसने नहीं देंगी। मैं ढूंढूंगा जगह कहाँ पे है और मैं आऊंगा। ठंड लग रही है। अरे हाँ मुझे बहुत हैवी लग रही है। मुझे भी मेरा सर नहीं घूमना था आके, वो उधर बाहर बालकनी में और एक शूट करवाए। मैं तो क्या ठंडा कुछ पहन लो। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं होता। चांदी च गई औरत ते पेंगुइन नु कभी ठंड नहीं लगती। चांदी च गई औरत नु नहीं लगती, जिदी शादी होती ओनू लग जांदी। या नहीं अरे मैं नहीं रह सकती ब्लॉग के बगैर। मैं भुखी रह सकनी हां, प्यासी रह सकनी हां। ब्लॉग ना बनाने लगा मेरे को नहीं होता। लेकिन हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। अब सही हो गई है, बिल्कुल एक्टिव हो गई है। पहले बीमार हुई थी। सुस्त रहने की एक्टिंग करना, आप ही की एक्टिंग हो जाए। गाइस देखें, सबके दिन छोड़ छोड़ के व्लॉग्स आते हैं, मेरे डेली व्लॉग्स आते हैं और मैं भी सुस्त हूँ। आप लोग कमेंट में मेरा दिफा करें। बाकी चीजें हो गई आपकी कंप्लीट? कुछ ट्राई तो नहीं किया? मेरी तो हो गई, तुम्हारी कल के लिए हो गई है? कल के लिए यार सुबह 7 बजे उठना है। सुबह 7 बजे उठना है? हाँ जी। ना करो, 8 बजे मेकअप कॉल है, 12 बजे तक लोकेशन। मेकअप कॉल है, शूट हो रहा है। शूट ही है हमारा। मैं नीचे आ गया। मम्मी नाश्ता करा की एक्टिंग कर रहे हैं, करा का व्लॉग है वो देखे। मेरे हाथ की चाय पीनी है? मुझे चाय बनानी आती है, बहुत अजीब सी। मैं और जैनब मिलके आज चाय बना। मैं हेल्पर नहीं हूँ, मैं सर प्रोफेशनल हूँ। जैनब के पापा चाय बना के पिलाते थे। क्यों? जैनब के पापा ही हैं और क्या हैं? पता है लोग नीचे कमेंट में मुझे क्या बोल रहे हैं? दुआ दुआ रेड वाले बालों। अच्छा तुम्हारे बाल रेड हो गए हैं? देखा नहीं मैंने? आपने नहाऊंगी ना और भी ज्यादा, मतलब परफेक्टली हो जाएंगे। आए हम बनाते हैं इकरा के लिए चाय और साथ तुम चाय साथ बिस्कुट रखेंगे। साथ हम बिस्कुट रखोगे? बिस्किट नहीं हम बिस्कुट कहते थे, बिस्कुट रखेंगे पहले सबके लिए। ठीक है, आधा घंटा लगा है हमें चीजें ढूंढने में, ये और पत्ती वगैरह। ठीक है, हमने इसमें पानी डाल दिया है, पत्ती डाल दी है, दूध डाल दिया है, अब ये बन रही है। इसको हमने ना थोड़ी देर, वो नहीं होता आपके पास वो जिससे चाय इस तरह करते हैं पवा? मुझे क्या पता पवा कहते हैं? पवा कहते हैं उसको। ढाबों में वो तो यूं करके यूं करते हैं। हम किसी ढाबे में नहीं, नहीं उससे ना प्रॉपर चाय बनती है, उसका टेस्ट प्रॉपर आता है। कौन सी साइंस लड़ाई है ये? देखना जो चाय पीते हैं ना उनको पता होगा, बात कमेंट करके बताना। ये है ना ऐसा, चले भाई दो कप चाय बनाइए आंटी के लिए, किकरा के लिए। अंकल चाय पीते नहीं है तो अभी बना के फिर लेके जाते हैं किकरा के लिए और आंटी के लिए, देखते हैं कैसी चाय बनी है। ये होता है पवा, ये कहते हैं वो चिकनी चिवेली पवा चढ़ा के इसको चढ़ा के आती है। पवा नहीं होता, नहीं होता पवा, कहते हैं मुझे नहीं लगता। बस कमेंट करते हैं पवा कहते हैं इसको। चलो ठीक है, पवा आ गया जी। अब इसको ऐसे ऐसे भी करना है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पोनी। हाँ, इसको तो मुझे पता क्या कहते हैं। ये देखें, ढाबे की तरह हम चाय बना रहे हैं। ये बस चोंचले होते हैं, ये कोई टेस्ट नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूँ उससे कलर बहुत अच्छा आता है। हाँ जी, वाह भाई वाह, दो कप चाय बन गई है। कहाँ से दो कप है मुझे तो? ये तो आधा कप, आधा कप, एक कप, आधा कप ही पीनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने आधा कप चाय बना दी है। हमने पूछा से दो कप बनाई थी लेकिन वो बना आधा कप गई है। क्या पता उनको पसंद ना आए तो आधा कप जाया भी नहीं ना करनी। ये क्या है? आधा कप चाय के साथ ये बहुत है मेरे ख्याल से। ये प्रेजेंटेशन हो गई हमारी। चलो अब चलते हैं जाके लेके सर्व करते हैं। हाँ, एक मामी के लिए थी,
टेस्ट करके बताएं कैसी है, पास है कि नहीं। अंकल वैसे बता सकते हैं चाय कैसी बनी है, मैंने मैंने अंकल प्रोफेशनल है चाय बनाने के, ये अंकल बताएंगे। अंकल अंकल को यकीन नहीं है, अंकल ने कहा अभी सी बनी है, अंकल ने कहा देख के बता दिया अच्छी बनी है, बड़े मजे की बनी है। मैं चाय रिव्यू जब आऊंगा मैं इंशाल्लाह बुलाया के पाऊंगा, ठीक है। चाय नहीं पीती, कॉफी पीते हो आज, रिव्यू की मजा आ रहा है, बिस्किट पे लगे सिर्फ बिस्किट पे, चाय पे लगे मेरे। चलो जी इकड़ा को बुलाएं चाय, चलो आप ही जो जी उठ जाओ बीमार औरत, हम आपके लिए लेके आए चाय, चाय मैंने बनाई है, चाय और बिस्किट बनाया ज़ैनब ने, नॉट बिस्किट बिस्कुट, बिस्कुट ज़ैनब खुद भी बिस्कुट। चलो चाय टेस्ट करके बताओ कैसी बनी है, अभी तो दुआ उठ रहा है इससे, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा फ्लू ठीक हो जाएगा। हाँ इंशाल्लाह पक्की, चीनी ही डालते ज़ैनब, थोड़ी सी शक्कर ले आना, जिंदगी में कभी पी के नहीं। वैसे कैसी चाय, वैसे अच्छी बनी है, अच्छी बनी है, आपने बनाई है, कलर दिखाओ, कितना अच्छा परफेक्ट, और मुझे पता एग्जैक्ट यही, मुझे तेज पत्ती नहीं पसंद है। अच्छा अरे बाप ने तो मेरी जिंदगी संवार दी है, एक ही बार ही होगा, जब बीमार होगी तब बस, उसके अलावा नहीं, अल्लाह मेरी बीमार ही ना करे, मैं खुद ही बना रही हूं, इस तरह की अच्छी नहीं आती आपको ज्यादा, कोई बात नहीं, मिलजुल के ही रिश्ता चलता है, आगे आए आए आए, सफर हो तो घर जन्नत बनता है, 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के। अदीब साहब ने मुझे चाय पिलाई, दोनों बशिंदियों को चाय पिला दी है मैंने, ठीक है दोनों बशिंदियों को, ठीक है मैं निकलने लगा, अपना ख्याल रखो, दवाई खा लेना, मारना होना और अपनी तैयारियां कर लो, सुबह 8 बजे तुम्हें जाना है, खाने का शुक्रिया, थैंक यू, मैचिंग करते हैं हम दोनों को, नीचे करो पता लगे आज भी इनकी मैचिंग हुई हुई है, नहीं नहीं अरीब मैचिंग शर्ट भी ग्रीन ग्रीन है थोड़ी थोड़ी थोड़ी, ये लोग सही मैचिंग करते हैं। चलो मैं निकलने लगा, ठीक है बहुत ख्याल रखो और बेस्ट ऑफ लक फॉर ब्राइडल शावर, छापा मार, सुबह मैं तो जा रही हूँ, तुम भी चले जाओ, मैं आज भी नहीं अलाउ, मैंने कहा मैं छुप के आ जाऊंगा, मैं किसी का आ जाऊंगा, एक औरत अलाउ है, एक आदमी एक औरत अलाउ है, बैन है आप वहाँ से, बैन ही कर दी है, दो दिन तक इकरा की शक्ल नहीं तुम्हें दिखाना, वो तो पापा को नहीं बुलाया तो तुमने को क्यों बुलाया, माइयों पे बैठेगी फिर तो शक्ल नहीं देखूंगा ना, माइयों का ये मतलब होता है, हाँ माइयों पे माइयों बैठूंगी तो फिर 2-3 दिन माइयों बैठते हैं उस पर, फिर अरीब को शक्ल नहीं दिखाएंगे, एंजॉय करो मजाक कर रहा हूं, ओके फुल एंजॉय करना, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं, ओके बाय बाय, ओके ना भी तड़परा जाने नहीं, तो ना सी ओए अल्लाह, अपनी बैचलर पार्टी करेंगे, आप इनवाइटेड है मेरी बैचलर पार्टी, ओके अरीब ये बैचलर पार्टी का व्लॉग आना चाहिए, बाय बाय आना चाहिए व्लॉग, मैं बता रही हूँ कोई भी, चलो ओके टेक केयर बाय बाय बाय। मैंने जो है ना वो कोई 4 घंटे इंतजार कर लिया है, मेरा डिजाइनर मुझे बोल रहा है कि आपका ड्रेस सुबह डिलीवर होगा, यार ये सही है, मैं निकल जाती बाहर तो शायद मैं पिक कर लेती, लेकिन मैं घर से बाहर ही नहीं निकली हूँ, तो अब मैं सुकून से बैठ के बस इंतज़ार करूँगी, क्योंकि सुबह मेरे मुझे 7 बजे रेडी होना है और मेरा ड्रेस का मैं वेट करूँगी। खैर बाकी से पूछती हूँ कि किस किस का कल का ड्रेस जो है ना वो रेडी हो गया है, लेट मी आस्क, मम्मा आपका कल का ड्रेस अरेंज हो गया है, तुम करोगी भाई, मतलब मानो आपका ड्रेस आ गया, ये तो मुझे लेने नहीं जा रही, क्या मतलब भाई, अभी आप ही से पूछने जा रही हूँ, ड्रेस दो मुझे जल्दी से चार्जिंग पे लगाना है, ड्रेस नहीं आया तुम्हारा कल वाला, क्या सीरियसली कब आना है, अभी हिरापी से देखने जा रही हूँ, ऊपर हिरापी के पास अगर कोई प्यारी सी फ्रॉम है जो किसी का ना वो पहनी होगी, यकीन है हमें से किसी ने इस बार मेरा कोई बनाया कि बहनों की फ्रॉक पहनती हो, यार मुझे एक्चुअली मिलती नहीं है फ्रॉक, एंड टाइम पे कल इवेंट होते हैं मेरे पास फ्रॉक ही नहीं होती, किसको होश ही नहीं होती है, मेरा ड्रेस हो गया, मेरा ड्रेस कब का हो गया, तुम्हारा हो गया, देख लो अपने मेरे ड्रेस के लिए लेके जा रही है, राबिया तुम्हारा ड्रेस आ गया, हाँ मेरा कब का, तुम्हारा भी आ गया है, हीरा का भी आ गया, मम्मा मैं और ज़ैनब हमारे नहीं आया, मेरा तो सुबह आ जाएगा 7 बजे, मुझे गारंटी है इस चीज की, क्योंकि मुझे पिक्चर्स आ गई, हम कह रहे हैं इस वक्त राइडर नहीं मिल रहा, इसलिए ड्रेस जो है ना वो आपको बाद में मिल जाएगा, अब ना मुझे गरम गरम ना मैंने चाय वैसे पी ली थी, लेकिन मुझे दूध दे दें, बादाम शदाम साथ कुछ ड्राई फ्रूट खा लेती हूँ ताकि थोड़ा सर सही हो, और सुबह जल्दी उठना है मुझे, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, वापस अपने कमरे में, इस वक्त बहुत लेट हो गया है, सब लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं सुबह के लिए, और मैं दवाइयाँ खा रही हूँ, बट आपको बताऊँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा बेहतर फील कर रही हूँ, लेकिन ये है कि आज मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं हुई हूँ, मुझे सिर्फ सुबह के लिए लेंजेस और जूते निकालने हैं, बाकी मेरी सारी चीज़ें जो है ना आ जाएंगी, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे जूता कौन सा निकालना, मतलब कंफर्टेबल जूता हो जिसमें मैं वॉक भी कर सकूँ, क्योंकि मेरा कल का ड्रेस ना गाउन टाइप है, सुबह उठ के ना मुझे जूता नहीं मिलना, वैसे
I have a beautiful silver shoes as well. Yalla, mil gaya joota. Ek mil gaya, dusra nahi mil raha. Subah uth ke dhoondungi. Ab lens dekhti hu aur soti hu aur subah uth ke baki ready ho. Let's go. हेलो जी गाइस, अब मुझे आ रही बहुत ज्यादा नींद। इंशाल्लाह आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी सुबह, अभी चूंकि मैं सोने लगी हूँ। और आपको आज का वीडियो, आज का व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। कल के लिए आई एम सुपर एक्साइटेड क्योंकि कल है मेरा ब्राइडल शावर। इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।